दुर्ग स्थित रतन चंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में 2 दिवसीय सेक्टर स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पहुंचे दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने खिलाड़ियों को मेडल पहनाया। सेठ रतनचंद सुराना कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दुर्ग में सेक्टर स्तर एथलेटिक्स प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस प्रतियोगिता में 31 महाविद्यालय के 200 खिलाड़ियों ने भाग भी लिया है। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 1500 मीटर दौड़ का आयोजन स्पर्धा के पर्यवेक्षक यशवंत देशमुख वैशाली नगर महाविद्यालय के क्रीड़ा अधिकारियों के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया। साथ ही मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया और कहा कि खेल हमारे जीवन का अमूल्य धरोहर है, जिससे मानव शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। और हम लोग इस स्कूल को पढ़ाई क्लास कम जानते थे, वो खो खो खेल होता था, यहाँ तो बल्ला लगा रहता था, ये इंग्लिश सर तो सिटी बजा रहे थे, लड़के बहुत पूरे आसपास की बच्चियाँ यहाँ पे खो खो आती थी, 250 लोग दौड़ते थे उस समय। ये बाउंड्री नहीं था, ये पीछे ऐसी नाली बहता था, सुअर लोग घूमते रहते थे, लेकिन फिर भी उसको आपने संजोआ, बचाया, संरक्षित किया, बाउंड्री वाल किया और बच्चों के लिए आपने एक खेल के लिए स्थान दिया। उसके लिए आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ गुरुदेव, आपको नमन कर रहा हूँ। हम लोग बैडमिंटन घर में खेलते थे, कभी कल्पना नहीं थी कि पहले ही शहर में पहला बैडमिंटन कोर्ट की परिकल्पना आदरणीय दिलीप इंगले जी ने की। और मुझे याद है हेमचंद के उस समय विधायक हुआ करते थे 98 से, और ये बिल्डिंग 98 से हुआ, ऐसा ही खुला रहा। ये आपकी मेहनत है, तपस्या है। इस प्रतियोगिता में पहुंचे खिलाड़ियों ने बाधा दौड़, भाला फेंक, 1500 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी कूद जैसी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपना जौहर दिखाया। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही कॉलेज के अध्यक्ष प्रवीण चंद तिवारी ने खेल के महत्व को बताते हुए खेल के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान महाविद्यालय से आए क्रीड़ा अधिकारी दिलीप इंगले, डॉक्टर लांजेवार, नीलेश तिवारी, अर्चना षडगी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दुर्गा शुक्ला ने किया। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके लिए नीलेश तिवारी सर ने भी बहुत सारी चीजें बता दी है। अब इसके बाद की प्रतियोगिता को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि बिलासपुर में आयोजित होने वाली है, वहाँ भाग लेने जाएगी। ये 11 तारीख से 12 13 तारीख तक आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात वहीं पर भी विश्वविद्यालय टीम गठित किया जाएगा, जो 26 तारीख से आयोजित होने वाली टीम है, आयोजित होने प्रतियोगिता है, वहाँ पर भाग लेने जाएगी। आरसीएस कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में उच्च शासन से प्राप्त 2 दिवसीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है सेक्टर स्तर, जिसमें 35 महाविद्यालय की टीम ने प्रतिभागियों में भाग लिया है और लगभग 200 एथलीट जो हैं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और इस प्रतियोगिता के अंतर्गत लगभग 38 इवेंट होने हैं, जो कि 2 दिन के अंदर हमको संपादित किया जाना है, जिसमें 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 110 मीटर बाधा दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, भाला फेंक, ट्रिपल जंप आदि इवेंट संपादित किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।